अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक ये टॉपिक है नफूस के हवाले से। कायमका मुख्तार काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की मुझसे पूछते थे, तो मैंने कहा जब तक मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं होता मैं तब तक आपको कुछ कह नहीं सकता। सुना तो मैंने बहुत साल, लेकिन मैं चाहता था मैं पहले खुद इस प्रोसेस से गुजर जाऊँ, फिर आप अपने भाइयों से मैं शेयर करूं, क्योंकि मेरी आदत है फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने की, या जिसका मुझे आपको पता होगा जैसा मेरा एक अपॉइंटमेंट का सिलसिला चलता है और मैं उसके चार्जेस लेता हूं, मतलब कुछ एडवाइस देने के या मतलब कोई अपने टेक्निकल केस डिस्कस करना है। और कई लोग मुझे कहते हैं करीम भाई हमें स्पाउस वीज़े का बता दें, वर्क वीज़े का बता दें, तो मैं सिंपल मैं हूं, मेरा असिस्टेंट हो, मैंने कहा हुआ है कि आप डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया करें, उनको अपॉइंटमेंट ना दिया करें, ना उनके पैसे ज़ाय करवाएं ना उनका टाइम ज़ाय करवाएं, क्योंकि टाइम और पैसा सबका कीमती है और टाइम इज़ मनी। तो इसी तरह जब तक मेरे पास कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैं किसी से शेयर भी नहीं करता और ना मैं उनके बारे में एडवाइस देता हूँ व्हाट्सएप पर कहीं भी। मैं सिंपल माजर कर लेता हूँ, वो बहुत बेहतर है, सॉरी कर लेना बहुत बेहतर है बजाय किसके टाइम ज़ाय करने से। अब आते हैं काम की बात की तरफ। कायमका क्या है, नफूस क्या है, जो लोग यहाँ टर्की में रह रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो आने वाले नए या जो नए नए आए हैं उनको शायद ना पता हो, तो काइंडली ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। आप यहाँ पे टर्की में अक्सर लोगों को मैंने देखा जो रह रहे थे, TRC लिया हुआ है, ट्रैवलिंग करते हैं, आते जाते हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कायमका में नफूस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। तो मैं सोचता था कि पता नहीं क्यों, लेकिन खैर से अब मुझे समझ आ गई कि क्यों, और वो उन्होंने अपनी सेफ साइड रखी हुई है और आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन भी है, अगर वो मतलब यहाँ पे कोई लीगल एक्टिविटी में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप सिंपल ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, TRC लें, आते जाते रहें, रहते रहें, कोई इशू नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप लीगल चीज़ों में पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस और बड़ी चीज़ें, तो फिर आपको कायमका में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। नफूस बोलते हैं उसको, कायमका म्यूनसिपैलिटी अदारा यहाँ का, वो आप उसमें इनरोलमेंट करवाएंगे बल्दिया में जाके, और उसके बाद आपको वो मुख्तार भेजेंगे, वहाँ से आपको एक लेटर मिल जाएगा, ऐसा होगा, वो ये रेड सी स्टैम्प्स पे लगी होगी, यानी ये पेपर होगा और रेड सी स्टैम्प्स पे लगी होगी। तो खैर ये मेरा मैंने लिया तो मैं चाह रहा था मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अब मुझे समझ आ गया ये लोग क्यों नहीं करते, ये बहुत सेंसिटिव जिसे कहते हैं नाजुक सूरत हाल वाला मामला है मुझे बात याद आ गई, क्योंकि अगर आप उसको सोचें तो देखें, उसकी वजह बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपना करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया नफूस में और सारा कुछ हो गया, लेकिन मैं यहाँ से जब चला जाऊँगा यहाँ पे कोई और आ जाएगा, और यहाँ पे आपने नोट किया होगा, आप खुद इस चीज़ के गवाह जो टर्की में रह रहे हैं, और यहाँ पे जब आएंगे तब देखेंगे एक घर में लोग चार चार रह रहे हैं, छः छः रह रहे हैं, दो दो फैमिलीज रह रही होती हैं, क्योंकि घर मतलब यहाँ किराए ज़्यादा हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम में रहें। ये नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको केयरफुल रहना ये पड़ता है कि देखिए आप किसके साथ रह रहे हैं, पहले तो मैं ये देखूंगा एरिया कौन से हैं, किसके साथ आप रह रहे हैं, फिर अगर आप रह भी रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो TRC बनवाने के लिए आते हैं, रह जाते हैं, किसी शेयरिंग में किसी का रह लेते हैं, उन्होंने नहीं कराया होता, सेफ है, लेकिन जब आप करा लेंगे तो इसका मतलब है इनकी गवर्नमेंट के इदारे में आपका पता चल गया जी करीम साहब जो हैं फलाने एड्रेस पर रह रहे हैं। अब करीम साहब यहाँ से कहीं चले गए, मिसाल के तौर पर अंतालिया चले गए, पाकिस्तान चले गए, मेरा लेकिन यहाँ पे नाम जिस तरह मेरे ये रजिस्टर करवाया यहाँ पे रजिस्टर्ड है, अब यहाँ पे मेरे बाद कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म का भी मसला होता है, तो करीम साहब जब वापस आएंगे या कहीं अगर मैं मिसाल पर अंतालिया में रह रहा हूँ और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपको बात समझ आ गई, क्योंकि इनका सिस्टम जरा पाकिस्तान में नादरा का आपको समझ आ गई, सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, एक ही किमलिक नंबर या आईडी कार्ड नंबर मारेंगे तो उस बंदे का सारा बायोडाटा आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे जब वो एड्रेस मारते हैं या उसमें टाइपिंग करते हैं या आपके किमलिक एड्रेस नंबर डालते हैं तो उनके पास सब कुछ आ जाता है आपका। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है उस घर पे, उस एड्रेस पे जो आपने यूज़ किया है नफूस के लिए, किसी कायमका के लिए, किसी इस पर्पस के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जुर्माना हो किसी मद में भी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पे मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपने नाम पे अपना घर लिया, फिर मैंने आगे रेंट आउट कर दिया उसको, और वो बंदा बिल नहीं दिया और दो तीन माह का बिल आता रहा और वो पाकिस्तान में से लोग करते हैं या इंडिया में, तो वो भाग गया वहाँ से। अब वो भाग नहीं सकता, वो भाग सकता है जिसने अपना काम, जो अपना नाम है नफूस में रजिस्टर नहीं करवाया, क्योंकि उसका पता ही नहीं कहाँ रह रहा है, लेकिन अगर उसने नफूस में करा लिया तो वो भी नहीं भाग सकता, ना मैं भाग सकता हूँ, अगर हम दोनों रजिस्टर्ड है आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकेंगे, ये भी आपको बता दूं, अगर आपके बिल्स क्लियर नहीं है, आपकी ड्यूज क्लियर नहीं है, तो मुझे समझ आइए लोगों ने नफूस में क्यों नहीं रजिस्टर करवाया हुआ। और अगर आपने करवाया है तो ये आपको मैं साथ साथ बता दूं मेरे भाई, तो अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ रह रहे हैं, आपने नफूस में रजिस्ट्रेशन है और आप चले गए इस्तंबुल से अंतालिया या इस्तंबुल में आपने एड्रेस चेंज करवा लिया, तो मेरे भाई सबसे पहला आप काम ये करें कि अपनी किमलिक पे रजिस्टर्ड अपना जो एड्रेस है उसको अपडेट करें, और दूसरा अपना जो कायमका में नफूस में जो एड्रेस नफूस किया है आपने उसको अपडेट करें।
यानी आप जहां जहां हैं उसको अपडेट करते जाएं, वरना पीछे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ये जरूर ध्यान में रखें। इस तरह आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप खुशी से आए होंगे और आपको रोते हुए जाना पड़ेगा, या आपको जाने ही नहीं देंगे जब तक आपकी ये प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होंगी, कोर्ट के केसेस, आपके ड्यूज, इस तरह की। तो ये मेरा एक मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था और एक अवेयरनेस देना चाह रहा था। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नफूस में कराया हुआ है, रजिस्ट्रेशन सारी कुछ, लेकिन वो एड्रेस छोड़ के अभी सिर्फ पाकिस्तान चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वो उसको अपडेट नहीं करवाते या उसको ख़त्म नहीं करवाते। तो आप अगर पाकिस्तान जा रहे हैं, नफूस में जाएं, उनको बताएं कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, इसको मैं ख़त्म कराना चाह रहा हूं, और अगर आप कहीं मूव होना चाह रहे हैं वहां का जाके अपडेट करवा दें। ये बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, और आप ताकि दोबारा आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, या रह रहे हैं रहते हुए प्रॉब्लम ना हो। ये आई थिंक काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था, मैं चाहता मैं इसको अवेयरनेस दे दूँ। मेरा काम यही है कि सही बात और सही जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर करूं, राइट। बाकी थैंक यू सो मच। और क्यूरीज थी काफी सारे लोगों की कि करीम भाई ई वीज़ा किस तरह है, या एक कुछ लोग ये भी कह रहे थे तंग है कि करीम भाई आप टर्की के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, कहीं और की भी बना लें। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा हौसला रखें, मैं चाह रहा हूँ जितनी यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मेरे होते हुए या फर्स्ट हैंड में ले सकता हूँ, मैं लूँ और उसकी वीडियो बना दूँ, ताकि आने वाले भाई या जब ये वीडियो जब तक पड़ी रहेंगी लोगों को फ़ायदा इससे होता रहेगा। इल्म कहते हैं बांटने से बढ़ता रहता है, तो लोगों को फ़ायदा होता रहेगा। मैं चाह रहा हूँ इल्म मतलब साथ लेके कहाँ जाना है इसको। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मजीद ई वीज़ाज, लाइसेंस और जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन वगैरह, इनकी मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। तब तक प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।